अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं UNN और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। और आज की जो सूरत हाल है, जो थोड़ी देर में फुटेजेस आपके स्क्रीन पे आएंगी, वो जो दिखाई जाएंगी वो कौन सी जगह है वो भी मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ और फिर तमाम दर सूरत हाल भी आपको दिखाई जाएगी। KDA की एम्प्लॉय जो है, ये सोसाइटी है जो KDA के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वहाँ पर वो प्लाट्स दिए गए हैं। UC2 है, कोरंगी का इलाका है, अल्लाह वाला टाउन। अच्छा, ये एक बड़ा इलाका है, यहाँ पर मतलब आपको इतना बड़ा इलाका है, उतने बड़े बड़े मसाइल हैं। अब वो मसाइल क्या है मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गई हूँ और मैंने विज़िट किया है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आई है और मुझे बहुत अजीब लगा है कि वहाँ ज़िंदगी जो है ना वो महफूज नहीं नज़र आ रही है। अब आप हैरत करेंगे कि कौन सी बात है कि ज़िंदगी महफूज नहीं है, लोग महफूज नहीं है, वो ऐसी क्या चीज़ है। अभी आप जब फुटेजेस देखेंगे तो आप कहेंगे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नाला है, नाले के ऊपर 6-6 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई हैं। नाला, गंदा पानी जो उन दीवारों से उन बुनियादों को लग रहा है, आप ये सोचें कि वो बुनियादें कितनी खोखली हो गई हैं और कब किस दिन कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, वो बिल्डिंगें गिर सकती हैं। उसके साथ साथ एक हादसा हुआ भी है कि अभी वहाँ एक बिल्डिंग गिरी है, उस पर भी हम तफसील में बात करेंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ वहाँ एक बरसाती नाला है। अच्छा, बरसाती नाले के साथ कोई पुलिया नहीं बनी हुई, बरसाती नाले में कुछ इश्यूज़। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है कि जो इससे पीछे जो एरियाज़ हैं उनका भी नाम अभी आपको मैं डिटेल में बताऊँगी कि उनकी जो सीवरेज की लाइन है वो उस बरसाती नाले में डाली गई हैं, जो कि इस एरिए के लिए जो मैंने आपको बताया बड़ा मुश्किल के शिकार हो जाते हैं ये लोग, कि जब बारिश होती है तो वो सारा वहाँ का भी सीवरेज का पानी और ये सारी चीज़ें जो है वो सड़कों पे आ जाती हैं। अब जब नाला आगे से बंद है तो इसका मतलब है कि रास्ता नहीं मिल रहा पानी को। अब जब पानी को रास्ता नहीं मिल रहा तो जिन लोगों के घर नीचे हैं तो वो पानी रिटर्न उसी तरफ जा रहा है। ये थोड़ी सी सूरत हाल मैंने आपको थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें इसलिए बता दी हैं कि अब जब शो पे आप फुटेजेस देखेंगे तो आप तमाम तर सूरत हाल को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, आज जो हम शो करें मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ जो हैं गेस्ट हमारे मौजूद हैं, उनको सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी। प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से उनका ताल्लुक है, तनवीर चौधरी साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तनवीर चौधरी साहब, आज ये जो अभी फुटेजेस चल रही है, जो वहाँ की सूरत हाल है, मेरे हाल से हम पहले इस नाले से स्टार्ट करते हैं और फिर वो जो नाले के साथ वो जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उस पर भी जाएंगे, पर सबसे पहले थोड़ा सा इस नाले पे आप डिटेल बताएं कि ये नाला आया कहाँ से आ रहा है, कितनी जगहों के सीवरेज का पानी इसमें आ रहा है और उसकी वजह से इस इलाके को कितनी मुश्किल हो रही है। देखिये जी, ये मेन वहां से चल रहा है, जो मेन काजवे रोड है ना जी, वहां से नाला चल रहा है। फिर उसके बाद मखदूम बिलावल सोसाइटी जी, जिसमें बड़े बड़े सरकारी लोग रहते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 100% वहां पे सरकारी लोग रहते हैं। उन्होंने क्या गुंडागर्दी की है वहां पे, उन्होंने अपना ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सारा इस नाले में डाल दिया। अच्छा, ठीक है, और वहां से उसको पक्का कर दिया अपने वाली साइड से, और फिर उसके सामने अल्लाह वाला टाउन है उसके बराबर में जी, फिर अलवासे टाउन है, उनके भी सारा गटर का जो पानी है वो इसी नाले के अंदर, जो बेसिकली ये नाला तो नहीं है, ये बारिश के पानी के लिए एक बरसाती नाला था जी, जिसको जो है इन्होंने गंदा नाला बना दिया। और फिर जो है एक कराची की सबसे बड़ी चाइना कटिंग, कराची की तारीख की सबसे बड़ी चाइना कटिंग है कुरंगी क्रॉसिंग के ऊपर, अमन टावर जी, जिसको गिराने तक के ऑर्डर थे। उन्होंने अब माशी से लाइन डाली है वहां की, पता नहीं कितने 100 फ्लैट्स हैं, उनकी भी सारी लाइन जो है वो इसी के अंदर जा रही है, इसी बरसाती नाले के अंदर जा रही है। और 31G ये जो है सौदा ग्रांड सोसाइटी है, उनकी भी इसी के अंदर लाइन जा रही है, उसके बराबर में है अल्लाह वाला टोना। फिर KDA एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी है, उसका तमाम तर गंदा पानी वो भी इसी नाले बरसाती नाले के अंदर जा रहा है, और आगे जो है आपने खुद देखा कि वो बंद पड़ा हुआ है, सिस्टम सारा बंद पड़ा हुआ है, कोई पुलिया नहीं है वहां पे। तो ये पता नहीं क्या होगा, ये किस तरह ये कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं ये, या तो वहां पे पुलिया बना देते हैं, पानी नीचे से गुजर के वो ना दूसरे नाले के अंदर चले जाता, वो वाला नाला जो है वो ऊपर है और ये वाला जो नाला है ये नीचे है, पता नहीं पानी वहां तक कैसे जाएगा, मुझे समझ से बाहर है। मतलब ये जो बरसाती नाला है ये है नीचे और जो आगे नाला है वो ऊंचा है, तो यानी कि नीचे से पानी ऊपर कैसे जाएगा, मतलब ये गाड़ी तो है नहीं कि ये इंजन लगा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा। ये भी बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, समझ आ जाएगा कैसे। अच्छा, ये कब से ये वहां पे मौजूद है, मतलब कितने अरसे पहले ये सारा वहां पे इस तरह से बरसाती नाला बना और ये कितना अरसा हो गया इसको। देखिए जी, अब लोगों ने अपना कोई ना कोई सिस्टम अपनी मदद आपके तहत करना था जी, तो यहाँ पे जो पॉलिटिशियन थे, जितने भी यहाँ पे लोग थे, उन्होंने क्या किया है, जो आए भी है यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी।
तो आपने देखा होगा कि पूरा ये लवारिस इलाका है, लवारिस पीएस है ये, और इसमें किसी ने कोई काम नहीं किया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वो जो पानी की लाइन लगाई है ना जी, पीने का पानी जो है वो नहीं है, वो ना लाइन थी वो भी अपनी मदद आपके तहत लेकर आए हैं और गलियों में भी अपनी मदद आपके तहत लाइन लेकर जा रहे हैं। अभी तो सरकारी काम है, सरकारी लाइन होनी चाहिए, सरकारी सारा सिस्टम होना चाहिए, वहां पे कुछ भी नहीं है। और जो 18 इंच की पहले पानी की लाइन आ रही थी वो भी जो निकाल के वो कहीं और सोसाइटियों में दे दी, जो बराबर में, क्योंकि निकाल के ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका पानी जब बंद किया गया तो वो बिल्कुल हर तरफ से बंद हो गया होगा, उसका रुख कहीं और चला गया होगा ना, किसी और तरफ। रुख जो है सोसाइटी में दे दिया ना, पैसे ले लिए ना वहाँ पे, वहाँ पैसे मिलते हैं सोसाइटी, करोड़ों के प्लॉट्स है, करोड़ों की करप्शन है वहाँ पे, उनको दे दिया है सारा पानी, हमारा उनको दे दिया है। तो अब यहाँ पे मुश्किल हो रही है। अच्छा, ये जो साथी नाला है और उसमें ये इतने सारे प्रोजेक्ट और इतने सारी जो चीजें आपने गिनवाई हैं, इनके सेवरेज का पानी और आगे से ये बंद है, कोई पुलिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आगे जो नाला है वो ऊंचा है और ये बरसाती नाला नीचे है। आप मुझे बताएं कि इस बरसाती नाले की वजह से, जिसमें सेवरेज का पानी भी जा रहा है मुख्तलिफ सोसाइटी का, तो इसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको कितनी मुश्किल हो रही है? ठीक है जी, एक तो यहाँ पे नाला वीरान नाला है, यहाँ पे आए दिन कितनी वारदातें होती है कि कोई ना कोई लुट रहा था, तकरीबन ऑलमोस्ट डेली की 5-4 वारदातें तो मस्ट है। यहाँ पे डकैतों ने आम शहरियों को गोलियां तक मारी है। अच्छा, यहाँ पे तो लुट रहे हैं, यहाँ पे आपको एक लाइट नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक लाइट, एक कोने से आप शुरू करें और आखिर तक जाएगी ना, आपको एक लाइट नहीं मिलेगी, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है। तो पता नहीं इनका अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या होगा क्या होगा नहीं होगा, जो भी आता है यहाँ पे बड़े बड़े दावे करता है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे वोट दे दे, तो करते कराते कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा वहाँ की सड़कें और गलियां, मैंने ऐसे देखा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ तो कभी सड़कें और गलियां बनी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग जो है मट्टी डलवा के अपना रोड जो है वो सीधा कर लेते हैं, अपने मदद डंपर मंगवाते हैं, वो डंपर सीधा हो जाता है, वो रोड बन जाता है। सरकारी रोड कोई नहीं है, सरकारी लाइन पानी की कोई भी नहीं है, सरकारी कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मतलब वहाँ के लिए कभी कोई फंड कोई पैसा है ही नहीं उस जगह के लिए, बस पैसा लगा नहीं है ना। कराची की जो तारीख है उसका सबसे करप्ट दारा जो केडीए, केडीए के अंदर आपको पता है कितनी करप्शन है जी। कम से कम को शर्म से डूब जाना चाहिए, कम से कम अपने एम्प्लॉयज को जो दी हुई सोसाइटी है उसको तो अच्छा करते हैं, तो वो भी उसको भी लावारिस छोड़ दिया है, और बल्कि अपने भगत से अगर कोई फोत हो गया है तो उनके प्लॉटों पे कब्जे करवा रहे हैं, उनको जाली फाइलें बनाकर दे रहे हैं, दिल्ली यही काम हो रहा है। अच्छा अच्छा, बताइएगा ये जो सामने फुटेजेस में भी आ रहा है कि एक नाला और उसके ऊपर 6-6 मंजिल की बिल्डिंग है, थोड़ा इस हिसाब से मुझे बताइएगा कि ये जगह जब यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही थी नाले के नीचे, क्योंकि पानी गुजर रहा है और गंदा पानी गुजर रहा है जो खोखला कर रहा है इन बिल्डिंग्स को, यहाँ पे सुना है एक हादसा भी हुआ है, कोई बिल्डिंग भी गिरी है, थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा। 2 दिन पहले इसी नाले पर एक बिल्डिंग थी आगे की तरफ, जहाँ पे ये रस वगैरह नहीं होते, ये बनते थे। अच्छा, तो वहाँ पे आग का कोई हुआ है, उन्होंने आग जलाई है, वो सिलेंडर फट गया, पूरी बिल्डिंग जमीन दोज हो गई है, उसके अंदर 18 लोग थे अंदर। अच्छा, 18 लोग अंदर थे, कोई एक दो मेरे ख्याल शहीद हो गए और बाकी जो है बड़े जख्मी है वहाँ पे। तो मेन जो है कमर्शियल एरिया तो है नहीं, रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ कमर्शियल काम करवाए जा रहे हैं, केडीए में भी ऐसा ही है, हर जगह पे ऐसा ही है। वो एक इदारा है जिस जो एनओसी देता है, इन्वायरमेंट का इदारा, वहाँ पे लोग बैठे हुए, वो जो डिप्टी डायरेक्टर है वो पैसे लेते हैं, आप उनको पैसे किसी भी किस्म की आप जो है उनसे एनओसी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कमर्शियल एरिया नहीं है तो आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं इस तरह से आसानी से, तो आप पैसे देके आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एनओसी ले सकते हैं, बड़ा आसानी ले सकते हैं, चाहे उसके बाद में कोई भी साइड इफेक्ट हो, जिस तरह की अब हुआ है कि एक धमाका और बिल्डिंग बिल्कुल। पहला हादसा मैडम, ये पहला हादसा नहीं है, ये कुछ 6ठा-7वां हादसा है। अभी आपने देखा होगा मेहरान टोन में एक फैक्ट्री में आग लग गई जी, पहले भी एक फैक्ट्री में आग लगी, बच्चे जलस गए, लोग जलस गए, लेकिन ये तो होता है, हफ्ता 10 दिन जो है ये होता है, उसके बाद जो है खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर मजे की बात है, जहाँ पे ये केडीए एम्प्लॉयज है अल्लाह वाला टोन, यहाँ पे ग्राउंड प्लस 1 की इजाजत है। अच्छा, यहाँ पे ग्राउंड प्लस 10, 9, 8 ये 7 फ्लोर 6 फ्लोर डाले जा रहे हैं, वहाँ पूछने वाला नहीं है, मतलब कोई नहीं पूछता वहाँ पे अगर ये इस तरह की चीजें हो रही है। इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आ जाती है सबसे पहले, वो अपनी पैसे लेते हैं, जो जितने महकमे हैं वो सब अपने अपने पैसे लेते हैं, और आप पैसा डाल के उसको जो है भले आसमान तक भी लेकर जा सकते हैं ना, तो आप वहां पे भी ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस ये हाल।
आपको क्या लगता है कोई बेहतरी होगी, मतलब जिसने मामलात में सिर्फ एक आज इस एरिया की अगर बात करूं जिस पे हम शो कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ के वहाँ पे नाले ऊपर बिल्डिंग्स है, ये तो आप जान के साथ खेला जा रहा है। और मैं तो हैरत कर रही हूँ कि जिन लोगों ने घर बनाया उनको खुद डर खौफ नहीं है कि कभी भी नीचे बिल्डिंग गिरेगी और हमारी जानें भी ख़त्म और सब कुछ ख़त्म, ठीक है, सिर्फ ज़मीन क्या कहते हैं कि हम लोगों को इतनी एक हवस हो चुकी है ज़मीन की कि हमें थोड़ी सी भी ज़मीन नज़र आती है चाहे वो नाले पे है चाहे वो गंद पे, हम कहते हैं बस अब इसको हमने जो है कब्ज़ा करना है, इस पर हमने घर बनाना है क्योंकि हमने शायद यहीं पे रहना है, ये नहीं पता ये एक सराया है, यहाँ पे हम कुछ दिन के लिए, हमने जाना कहीं और है जहाँ हमें हमेशा रहना, वहाँ की तैयारी नहीं है, यहाँ की बहुत ज़्यादा तैयारी है। अब आज इस इशू को हम इसलिए उठा रहे हैं कि ये आवाज़ जहाँ जहाँ देखी जाए, क्योंकि ये जो नाला है और इसके साथ ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बहुत सारी कीमती जानें हैं जो कि मेरे ख्याल से खुद अकलमंदी नहीं कर रहे, पर हमारा काम है कि इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि इस तरह से आगे इन्होंने किस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई, एक लंबे अरसे से यहाँ पे लोगों के घर हैं और हादसे भी यहाँ पे हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कभी कोई देखने नहीं आया, कभी कोई इस तरह से बात नहीं हुई कि आपने किस तरह से आगे जगह जो है वो कब्जा करके इसके ऊपर बिल्डिंग कर दी और ये सारी चीज़ें कर ली और नाले के साथ बिल्कुल नाले का पानी बह रहा है, दीवारें खराब हो चुकी हैं, खोखली हो चुकी हैं, पिलर टूट चुके हैं। देखिए मैंने वही कहा ना, जब कोई हादसा होता है तो एक दो दिन तीन दिन चार दिन बस, अब ये टोटल आपने देखा होगा नीचे टोटल बुनियादें खोखली हो चुकी हैं जी, टोटल बुनियाद। अब ये जो सोसाइटी, ये सोसाइटीज के अंदर के ऊपर नाले के ऊपर जो बनी है सोसाइटीज है, इधर प्लॉट की कीमत करोड़ों में। अच्छा, जब रुपया आ रहा है तो जाहिर सी बात है इदारों को भी जा रहा है, जो इदारा वहां पे आता है, जो भी रुकवाने वाला है, तोड़ने फोड़ने वाला इदारा या SBC है या इंक्रोचमेंट का है, वो पैसे लेते हैं और अपना रास्ता नापते हैं। बिल्डिंग आप दूसरी मर्जी बना, आप कहीं पे भी बना सकती है, आप नाले को तोड़ के नाले की तरफ बना सकती है बिल्डिंग, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये इतने सारे मामलात के बाद आज मैं आपसे पूछूंगी कि आप वहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ पे बेहतर मामलात को करने के लिए आप किस तरह से अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बेहतर करना चाह रहे हैं, आप अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइएगा। देखिए अभी हम ये सारे काम स्टॉप करवा रहे हैं टोटल। अच्छा, आज हो चुका, अब हम टोटल काम करवाएंगे, ये जो अनऑथराइज बिल्डिंग बनाएंगे इनको भी काम को रुकवाएंगे, अभी जो है टॉप चेयरमैन बैठ गए उनको उनकी उनसे मदद लेंगे, इदारों से मदद लेंगे, इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा हम काम जो है रुकवाएंगे। और हमारी यूसी में जहां तक है ये कह तो रहे हैं कि अभी काम करवा रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, देखिए क्या होता है, पानी की लाइन ही नहीं है यहाँ पे, केडी में पानी की लाइन, सरकारी लाइन ही नहीं है पानी की लाइन, क्या अच्छा वाटर बोर्ड से कभी कोई बात हुई आप लोगों की, जो आपने खुद से कोई कॉन्टेक्ट किया हो, कोई बात की हो? जी वाटर बोर्ड अभी आया था जब ये इलेक्शन हो रहा था ना यूसी का, जी जी, तो वाटर बोर्ड जो यहाँ के XCM है वो और पूरा अमला पूरी टीम वो खुद रोडों पे खड़ी हुई थी। अच्छा। और कभी शाम को घुमा के जत्थे की शक्ल में लोगों को कहीं इधर से इधर ले जा रहे थे, कैंडिडेट्स के साथ यहाँ से लाइन आ रही है, कभी किसी को उठा के कैसी यहाँ दूसरी साइड पर ले जाते थे, यहाँ से लाइन आ रही है लेकिन आया कुछ भी नहीं है। आपके सामने एक लाइट होती है ना, मतलब वाला वो भी नहीं है, नहीं है। अच्छा मुझे बताएं ये क्या हमारी पाकिस्तान की और खासकर कराची की आवाम क्या इतनी मासूम है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आए या कोई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं और फिर वादे कस्में और बहुत सारी टीमें खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, आवाम इतनी मासूम है कि उस टाइम मान जाती है और वो समझते बस यही है और यही सब कुछ करके देंगे, ऐसी सूरत हाल होती है ना उनके पास, बेचारों के पास कोई दूसरा हल भी तो नहीं है ना, वो फिर आपको पता पाकिस्तानी आवाम मासूम आवाम है, वो फिर फिसल जाती है इनके झूठे नारों के अंदर जो है वो गिरफ्त में आ जाते हैं इनकी और वो फिर उनको पिसला के और अपना वोट वोट कास्ट करवा लेते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं और यही होता है। और मजे की बात ये इलाका देख ले, यहाँ पे गोला गंडा वाली सियासत है। मैं भी यही बात करने वाली थी, PTI पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में, ये अभी आपसे सवाल भी करने वाली थी। अच्छा ये हाँ जी जी जी, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कहीं, आप देखा होगा हिस्ट्री में, अब तो मैं कहता हूँ कि वाइस पाकिस्तान है जिसकी सियासत ही समझ में नहीं है, आज तक जीता कौन तो हारा कौन, जो है वो PTI के जी, और वाइस चेयरमैन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हाँ। और चार जो है वो जमात इस्लामी के, तो आप मुझे बताएं जीता कौन है, जीता कौन है, किसको वोट दिया आपने, ये भी पता नहीं चला आज। अब काम कौन करेगा ये पता करना है हमने, ये पता करना काम कौन करेगा। अच्छा उम्मीद है कुछ बेहतरी, आप एक्टिविटीज कुछ देख रहे हैं कि कुछ होने वाला है?
कल अपनी मदद आपके तहत जैसे पानी लेकर आए ऐसे एक और पानी की लाइन लेकर आएंगे और आवाम को खुद ही रिलीफ दिलाएंगे, खुद ही कोई काम करेंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। मेयर कराची जो है हमारे वो तो कह रहे हैं मतलब काम हो भी रहा है, काम होगा भी और काम करेंगे भी। आपकी मीडिया के तवसल से अगर इनको कोई शर्म और हया आ गई तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, वरना नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज तमाम तर सूरत हाल जो हमारी आपने देखी इस टाइम शो पे, हमने फुटेजेस भी आपको दिखाई और साथ साथ वहाँ के जो नाले का इशू था, नाले के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उसका इशू था, सड़क गलियाँ टूट फूट का शिकार है, पानी की लाइन वहाँ पर मौजूद नहीं है, अपनी मदद आपके तहत वहाँ पानी की लाइन लाई जाती है और उसके साथ साथ जो बरसाती नाला उसके सीवरेज का गंदा पानी डाल के उसको वहाँ पर वहाँ की सूरत हाल कितनी ख़राब कर दी है। ये सारी तमाम तर सूरत हाल बताने का मकसद ये है, उस जगह का कहते ना किसी भी चीज़ का कोई इशू है और उस चीज़ को स्क्रीन पे लाने का मकसद ये होता है कि तनकीद नहीं की जा रही, मकसद ये है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे काम होना चाहिए, वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है और स्क्रीन पे दिखाने का मकसद यही है कि वहाँ पे काम हो। और हमारा हम और आवाम का जो एक मेन पॉइंट और जो हमारी मेहनत है और जो हमारी कोशिश है वो यही है कि कराची के किसी भी कोने में कोई भी मसला होगा हम स्क्रीन पे लाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हमारी एफर्ट्स होंगी कि वहाँ के मामला बेहतर हो जाए। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।